तो प्रिय जिज्ञासु, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम जो है जैस्मिन का कलम कैसे लगाते हैं, इसको आपको दिखा रहे हैं। ये जैस्मिन का मैंने एक प्लांट ले आया है, इसका जो है प्लांट नहीं, तना है। अब इस तने को देखिए, तो थोड़ा सेमी वुड हो, देखिए हरे रंग का है, गंदा लगा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन 1-1.5 साल पुरानी है। तो इसको आप वहाँ से मैं काट के ले आया हूँ, देखिए वी शेप में कटी हुई है, एकदम सीधा सीधे कट मार के, उसके बाद यहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का आप 10 सेंटीमीटर लगभग रखिए। ये गांठ है तो इसके गांठ के पास काटिए, जिससे कि एक बार में कट जाए। ऐसे काटिएगा कि एक बार में कट जाए, कि पूरी तरह से तेज धार थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। अगर कटर मिल जाए तो आपको बढ़िया है, नहीं फिर आप सरौते से भी काट सकते हैं इस तरह से, या चाकू से भी रगड़ के इसको काटा जा सकता है। तो फिर चाकू से नहीं कट रहा है पूरी तरह से, सरौता से हम लगा काट देते हैं। देखिए हमारे पास ये सरौता है, आप मंगा सकते हैं, कटर भी मिलता है। तो इस तरह से काट देंगे, देखिए कट गया, ये ऊपर आपका नीचे हो गया, ये आपका जो है क्या है, जैस्मिन है। अब इसको आपका करना क्या है कि एक छोटी सी 1 सेंटीमीटर का लगभग पहले गांठ के नीचे देख, हल्का सा आप एक गोला बना दीजिए, हल्का सा देखिए एक गोला इसका, जिससे कि ऊपर वाली जो त्वचा है इसकी छिल जाए। इसको आप ऊपर से पूरा निकाल दीजिए, क्योंकि जानते हैं ये सप्लाई करती है वाटर की और यहाँ से जड़ निकलती है, तो इसकी जड़ निकलेगी। जिस जगह आप साफ कर रहे हैं इस तरह से साफ करिए कि इसमें कुछ बचा ना रहे, एकदम देखिए ऐसे ऐसे रगड़ देंगे तो जो हरा भरा थोड़ा बचा है इसका छोड़ देगा। हाँ, कोशिश करिए कि जहाँ आपने चिन्ह बनाया उसके ऊपर चोट ना लगे, उसके नीचे लेकिन चमड़ी इसकी जो, इसका जो त्वचा है छाल, ये बचनी नहीं चाहिए। ये हो जाए तो आपको एक रूटिंग हार्मोन, नेचुरल रूटिंग हार्मोन लेना है, एलोवेरा का पत्ता। और एलोवेरा के पत्ते को समझ लीजिए कि इसको आपको इतना गाड़ना है, और जब भी गाड़िएगा तो देखिए पत्तियाँ इसकी आपको नीचे की तरफ जाती दिखाई देंगी। अगर काटने के बाद देखेंगे तो ये पत्तियाँ रखेंगे, थोड़ा सा पहचान बनी रहेगी। अब इसको इतना तक आपको कम से कम मिलाना है, तो इतना इसको एक टाइप का काट लीजिए, धीरे से एलोवेरा पत्ती को ऐसे ही काट लीजिए। और कट गया या इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें इसको एलोवेरा में सीधा सीधा गाड़ दीजिए। देख रहे हैं आपका ये कलम इसी से उगाएगा, लेकिन उसके बाद आपको मिट्टी चाहिए तो खाद और मिट्टी आधा आधा मिला करके, वर्मी कंपोस्ट एक छोटे से प्लास्टिक के गिलास में, या जो भी रूप आपके यहाँ ख़राब चीज़ हो, पन्नी है, उसमें भी डाल करके इसको जितना रूट आपने इसका लगाया है, कोशिश करिए उतना नीचे रहे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ जगह बना लीजिए, अंगूठे से ही आप बना लीजिए, हाथ धुल लेंगे, या फिर आप कोई बड़ी लकड़ी डाल के बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पन्नी फट भी जाए तो ये प्लास्टिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेप चाहिए, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। अब यहाँ तक ये चला गया तो इसके नीचे न जाए, ये ध्यान दीजिएगा कि रूटिंग हार्मोन जो आप डाले यहीं तक रहे। उसके बाद इसमें आप मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी भरने के बाद मैं ऐसे कलम आज कई बनाऊंगा, लेकिन एक का आपकी वीडियो दे रहा हूँ, उसके बाद रिजल्ट में आपको सबका दिखाऊंगा। इसको बांध दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी भरने के बाद आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पानी डाल करके इसको दबा दीजिए, जिससे कि ये नीचे तक मिट्टी जम जाए। अब इसको इस जगह, ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप बहुत ज़्यादा न लगे, अंदर कमरे में ही रख दीजिए तो भी अच्छा है। इस समय तो बरसात चल रही है तो इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप इसको एक प्लास्टिक लगा करके, घर में आते हैं सामान प्लास्टिकों के, उसको लगा करके ऊपर से एक कोई किसी भी पुराने कपड़े से, रस्सी से बांध दीजिए इसके मुँह को, जिससे इसमें ठंडी के अलावा, सॉरी बरसात के अलावा जब भी मौसम में आप बनाएंगे तो इसको आप डाल देंगे। उसके बाद 10-15 दिन रख लेंगे, तो 15 दिन बाद आपको पत्तियाँ दिखाई देंगी, खोल के धूप में रख दीजिएगा। फिर लगभग 20-25 दिन बाद आपको इसका जो परिणाम होगा तो उसको हम बना के दिखाएंगे, तब इसकी पत्तियाँ निकल आएंगी और जड़ कैसे होगी दिखाएंगे। आप देखिए समझिए, अपने घर में आसपास छत पर जहाँ भी रहते हैं गार्डनिंग करिए, गार्डनिंग आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में ले जाएगा, फूल पौधों की महक से ऑक्सीजन मिलेगा, सुंदरता परिवार के साथ यहाँ एक माहौल की सुंदरता बढ़ेगी। तो आप देखिए समझिए, लगाइए, इसको करिए, चैनल लाइक से सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।